मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं प्राइमफुल गेमर्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन के बारे में, वॉर जोन के रिलीज डेट के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम वीडियो के एंड तक आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि कॉल ऑफ ड्यूटी का वॉर जोन कब आएगा, कौन से डेट, कौन से महीने, कौन से साल, मतलब साल भी साल तक हम बता देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ताकि हम जब भी वीडियो लाएं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम पहले अपने कॉल ऑफ ड्यूटी की कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने डेट। तो जैसा कि जानते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन का ग्राफिक एकदम नेक्स्ट लेवल का है, यानी कि आपको गेम प्ले का एक्सपीरियंस और ग्राफिक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ये गेम प्ले अरे सॉरी अगर आपको ये गेम खेलना है अपने फ़ोन में, तो आपका फ़ोन कितने GB रैम का रहना चाहिए या आपका फ़ोन का कौन सा प्रोसेसर रहना चाहिए, कितना तक फ़ोन रहना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए फ़ोन में, हम ये भी बता देते हैं इस वीडियो में। तो इन सब जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। तो बता दूं मैं, अगर आपको ये कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन खेलना है तो आपका फ़ोन कम से कम 4 GB का होना चाहिए। 4 GB में भी लैग करेगा ये गेम, मतलब ये 4 GB में भी ये गेम लैग करेगा, 4 GB में लैग करेगा, 6 GB में अच्छा चलेगा, 6 GB में चलेगा। और अगर आपके पास 8 GB, 12 GB, ये इतने GB का फ़ोन है तो मैं बताऊँ ये गेम नेक्स्ट लेवल चलेगा, मतलब एकदम आप हाई 8 GB पे हाई सेटिंग पे खेल सकते हैं, हाई ग्राफिक पे सब चीज़ खेल सकते हैं। कम से कम अगर आपको अच्छे से खेलना है तो कम से कम आपको 6 से 8 GB रहना चाहिए, 12 GB काफ़ी कम लोगों के पास होता है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आपके पास कम से कम 6 या 8 तो रहना चाहिए। मेरा जो खुद का डिवाइस है वो कम से कम मेरे पास 6 GB है, तो आपके पास 6 के साथ 128 रहना ही रहना चाहिए। 128 मान लो आपके पास 64 है तो आपको स्टोरेज खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कॉस्ट्यूम पैक एक्सटेंशन सब डाउनलोड करने के बाद आपका ये कम से कम 12 से 13 GB का पड़ जाता है। तो हम जल्द ही Q&A वीडियो लाने वाले हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें आपका क्वेश्चन का आंसर हम जरूर देंगे Q&A वीडियो के में। तो आपको अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने फाइनली मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन कब आएगा, किस डेट को आएगा, क्या क्या रहेगा, कितने साइज़ का रहेगा। साइज़ पे फिलहाल इस वीडियो में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम इसमें खाली डेट की बात करेंगे। अगर आपको साइज़ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर वीडियो ला देंगे। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं अपने कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन के साइज़ के बारे में, तो हम अगले वीडियो में बात करें, लेकिन हम जान लेते हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन अपने अगले 6 महीने में आ जाएगा, यानी कि अभी चल रहा है दिसंबर, तो मेरे ख्याल से अप्रैल या मई के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो जिन भाइयों को डाउनलोड करना है तब तक एक अच्छा डिवाइस ले लें, मतलब अप्रैल लास्ट या मई स्टार्टिंग में तो कंफर्म आ जाएगा ये गेम। तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हम जब भी वॉर जोन से कोई रिलेटेड अपडेट मिले तो हम जब भी वीडियो दें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमेशा अपडेटेड रहें। और आप जब भी कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन का अपडेट जानेंगे तो एक बड़ा ही अपडेट जानेंगे, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी का अपडेट कोई छोटा अपडेट नहीं होता है, और छोटे अपडेट पर हम लोग वीडियो नहीं बनाते, हम लोग बड़े अपडेट में छोटे अपडेट का भी कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन की साइज़ जानना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और कमेंट कर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो बना देते। थैंक यू गाइस।